शाम 4:30 बजे सरायपाली के कुटेला चौक में स्थित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया। सरायपाली कार्यकर्ता सम्मेलन में दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता अंचल में महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब इनकी 15 वर्षों तक सरकार थी तब इन्हें महिलाओं का सम्मान नहीं याद आया, किसानों का दर्द महसूस नहीं किया, भूमिहीन याद नहीं आए। आज जब चुनाव नजदीक है तो अचानक नींद से जागकर भोली भाली जनता को ठगने में लगी है। इस बार भाजपा की करनी और कथनी को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इन्हें करारा हार मिलेगी जिससे भयभीत होकर अनाप शनाप घोषणा कर आम उस घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाए। हमारा घोषणा पत्र मैं समझता हूं कोई दुनिया में ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं होगा जो हमारे घोषणा पत्र का मुकाबला कर ले। इसलिए बेहतर लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो कब जीतेंगे बताइए। इसलिए हम लोग कहीं भी चुनाव जीतने के लिए हम लोग को चिंता या संशय नहीं है। इसलिए बस अपना अपना सीट, अपना अपना बूथ, आप अपना बूथ जीत कर जाएंगे तो हम लोग अपना विधानसभा। आज सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करने आए थे। बहुत लंबे समय तक इंतजार भी किए। हम लोग को सरायपाली विधानसभा भी जीतना है और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखे कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह है, तो निश्चित रूप से हम सरायपाली विधानसभा भी ऐतिहासिक वोटों के साथ हम जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। 15-15 लाख देंगे मिला नहीं, 2 करोड़ नौकरी देंगे मिला नहीं। अब हमारी बेचारी हमारी छत्तीसगढ़ के सीधे साधे माता बहनों को अब ये 12,000 के नाम से अब ये फार्म भरवा रहे हैं। भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, आचार संहिता लगाए और फार्म भरवा रहे हैं तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। और हमारे कांग्रेस पार्टी ने आज गृहलक्ष्मी योजना लॉन्च किया है कि हम प्रदेश के प्रत्येक महिला हमारी माता बहनों को हम सालाना 15,000 रुपये देंगे और इसमें कोई फार्म नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पे हमारी जनता भरोसा नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है और निश्चित रूप से आने वाला समय में इनका लाभ मिलेगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी।